नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं आप सबके बहुत भारी डिमांड पे ज्योमेट्री का ये त्रिभुज वाले सवाल जो होते हैं, ट्रायंगल वाले, उसको मैं लाया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब बहुत सारे डिमांड भी कर रहे थे। देखो, ये क्वेश्चन जो लाया हूं, ये 18 अगस्त 2022 मतलब इस बार का है और ये हमेशा देख रहा हूं मैं, हर बैच में, हर शिफ्ट में ऐसे प्रश्न कोई ना कोई आ ही जाता है। तो क्या कह रहा है ये कि त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु ए और बी क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर पर इस प्रकार है कि पी क्यू जो है वो ए बी के समांतर है। जब ऐसा पूछे, पहले तो एक त्रिभुज बनाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा समझा दूँ मैं। बहुत आसान है, ये कठिन नहीं है, बहुत आसान है। तो पी क्यू मान लो ये नीचे ये पी होगा तो ये क्यू होगा। अब इस पर ए बी एक समांतर, मान लो ये समांतर है, क्या है ये ए बी, ठीक है। बनाता है पी क्यू दिया है x प्लस टेन, लिख दो इसको x प्लस टेन, और क्या क्यू बी दिया है x प्लस वन, क्यू बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है x प्लस वन, है ना। और क्या दिया है, बी आर दिया है x प्लस टू, तो बी आर ये है r, तो बी आर कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया दोस्तों, x बटे दो, ठीक है। और ए बी बराबर x है, ये x है, तो कह रहा है पी क्यू का मान ज्ञात करें, मतलब p और q का मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। वो भी देखो इस तरह से दिया है 12 14 4 11, ऐसे में ज्ञात करना है आपको। अब एक फार्मूला आपको, थेल्स प्रमेय आपको मालूम होगा, एक होता है थेल्स प्रमेय, ठीक है, थेल्स थ्योरम। ये क्या कहता है, ध्यान समझ लो, अगर कोई रेखा समांतर हो, जैसे कोई त्रिभुज बना है उसका एक समांतर हो, तो दो दो चीज इसमें हो सकता है, जैसे ये बटे पूरा बराबर इतना बटे पूरा, एक तो ये बनता है, दूसरा क्या बनता है, इतना बटे पूरा बराबर इतना बटे इतना, नहीं समझे बात, बताता हूँ आपको। बी आर देखो, बी आर बटे ये कितना है, क्यू आर, क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, बस इसी पे ये सारे मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, बस इतना ही है आपका सवाल। बस देखो, बी आर बटे क्यू आर पूरा और ए बी बटे पी क्यू, इसका रेशियो जो है बराबर होता है। तो बी आर कितना है, एक्स बटे दो है, लिख दो यहां पे, लिख दो एक्स बटे दो, और क्यू आर कितना है, एक्स बटे दो प्लस एक्स प्लस वन, तो यहां पे जोड़ते, देखो एक्स बटे दो लिखा है प्लस एक्स प्लस वन लिखा है। इसको कैसे जोड़ोगे, जोड़ने का सबसे आसान तरीका मैं क्या करता हूँ, दो से गुणा कर देता हूँ, नीचे ऊपर दोनों, तो क्या होता है कि ये नीचे दो, इसमें भी नीचे दो बन गया, है ना। तो जल्दी से अपना, नीचे जब दोनों बराबर होता है फ्रैक्शन में, तो क्या करते हैं हम लोग, ऊपर जोड़ दो बस, नीचे एक वही लिख दो, तो इसको जोड़ोगे, ये देखो दो से जब अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा दो एक्स, ये हो जाएगा दो, तो दो एक्स प्लस दो प्लस एक्स, तो तीन एक्स हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा तीन एक्स प्लस दो बटे दो, तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई, है ना। तो नीचे क्या लिखोगे, तीन एक्स प्लस दो बटे दो, तो दो से दो तो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x बटे थ्री एक्स प्लस टू, तो लिख देते हैं वही, लिख दो यहाँ पे x बटे थ्री एक्स प्लस टू, यही बचा सिर्फ बराबर। अब देखो ए बी कितना है, x दिया है, लिख दो x बटे पी क्यू दिया है x प्लस टेन, लिख दो। तो अब देखो x से x भी कट जाएगा, जब बीच में बराबर हो तो ऊपर अगर जो भी हो काट सकते हो, नीचे जो भी हो काट सकते हो, ये कट गया। अब इसको तिरछा गुणा मार दो, यहाँ पे एक बजा मान लो, यहाँ पे एक तिरछा गुणा मारोगे तो x प्लस टेन, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस टेन बराबर थ्री एक्स प्लस टू, थ्री एक्स प्लस टू, ये हो गया अपना। अब देखो भाई, दो को उधर ले जाओगे दस में से घट जाएगा, दस माइनस दो कितना होता है, आठ होता है, यहाँ पे लिख दो आठ बराबर, ये x इधर लाओगे थ्री एक्स में घट जाएगा, बचे कितना दो एक्स, दो एक्स बराबर आठ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। दोस्तों जब x बराबर चार आ गया तो x प्लस टेन, यहाँ पे दिया हुआ पी क्यू का मान पूछ रहा है, तो चार रख दस चार चौदह, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चौदह। इस तरह से आप लगा सकते हो। ये सवाल इतनी देर का नहीं, इतनी देर में समझा रहा हूँ, तो समझा रहा हूँ आपको, कोई गलती नहीं हुई, ऐसा थोड़ा सा ज्योमेट्री होता है थोड़ा सा ऐसा। बाकी ये चीज़ आपको थेल्स प्रमेय मालूम हो गया ना, बस यही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं होता थेल्स प्रमेय, अभी इस सवाल को देखो, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार बने हैं कि DE और BC, एक त्रिभुज और बनाते हैं, देखो एक त्रिभुज और बनाते हैं, कह रहा है कि DE BC, ठीक है, त्रिभुज ABC है, तो BC मान लो ये B है, ये C है,
इस पे दोस्तों एक बनता है, एक है डी ई, ठीक है। अब जो भी है ये ऊपर ए होगा। अब ये समांतर है दोनों, ये भी जैसे इसके पहले समांतर थे, ये भी समांतर है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, ए डी जो है डी बी का रेशियो दिया हुआ है 3:1। ए डी कहाँ है, ये ए डी है, ये 3 होगा तो डी बी ये 1 होगा। रेशियो देखो, रेशियो ही सबसे बड़ा खेल खेलता है, इसमें सारा रेशियो का ही खेल है। अब देखो ये हो गया, यदि ई ए, ई ए कहाँ भाई, अच्छा ये दिया है 3.3, तो पूछ रहा है कि ए सी का मान ज्ञात कीजिए। इसको तो देख के उत्तर बता सकते हो आप, ए सी मतलब पूरा। अच्छा ये 3 है, ये 3.3 है, तो ये 1 है, तो ये 1.1 होगा अगर देखा जाए तो। अब इन दोनों को जोड़ोगे 3 × 1 = 4, 3 × 4 = 4.4 उत्तर हो जाएगा इसे, है ना। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, वही इसमें भी लगेगा दोस्तों। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि पूछ कह रहा है, एसी पूछ रहा है, देखो एडी, एडी बटे एबी पूरा, एबी मान लेते हैं, बराबर एई बटे एसी, ये लगा देना निकल जाएगा आपका। अब भाई ये मान लो ये नहीं दिया था, ये तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट, तो 3 का जितना गुना ये हो, मतलब इसका जितना गुना ये हो, इसका उतना गुना ये होगा। हमेशा याद रखना, जब ये समांतर हो रेखा तो हमेशा बराबर होगा। तो इसको तो आप देख के चुटकियों में कर सकते, मैंने कर भी दिया। तो AD क्या है, एक बार दिखा, 3 बटे पूरा 4 हो जाएगा, 3 × 4 = 4 बराबर 3.3 दिया है, ए की जगह पर 3.3 दिया है, बटे ए सी पूछ रहा है, ए सी लिख दो। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। देखो ए सी बराबर 4 × 3.3 बटे ए सी, नहीं बटे 3, ये 3 नीचे चला गया, 3 से कट गया, बन गया 1.1, 4 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा 4.4। खैर मैं तो आपको बस देख के उत्तर बता दिया था, तो आप देख के भी उत्तर बता सकते हो ऐसे सवालों को, है कि नहीं। अब अगला देखते हैं, उम्मीद है कि वाला समझ में आ गया आपको। ये सवाल भी देखो कब पूछा गया था, 18 को पूछा गया था। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AB समद्विबाहु होगा, क्योंकि AB बराबर BC, AB कहाँ है, ये दोस्तों इस पूरे के बराबर है, पूरे के, ठीक है। तो ये बराबर है तो ये कोण भी बराबर होगा, ये दोनों मतलब ये पूरा और ये पूरा, कोण भी बराबर होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, कोण भी बराबर होगा। अच्छा, और AD कोण BAC का द्विभाजक है, ये जो AD रेखा बनी हुई है इसका द्विभाजक है। कहने का मतलब, इसको अगर हम कुछ मान लो थीटा मान लेते हैं तो ये भी थीटा ही हो, है ना भाई, द्विभाजक बीजों बीज गया है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, जब ये दोनों थीटा तो ये बराबर इसके टोटल के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, इतना कन्फर्म है सबको, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है वाई कितना डिग्री होगा, ये कह रहा है कितना डिग्री होगा। अब देखो दोस्तों बड़ा ईजी है, पूछो कैसे, वाई कोण का कॉन्सेप्ट समझते हो कि नहीं। जैसे एक त्रिभुज बना है कोई, वाई पूछ रहा है हमको वाई से मतलब, जैसे ये देखो, जब भी कोई ऐसे त्रिभुज हो, ये कोण इन दोनों कोण के बराबर होता है, जैसे ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। हमेशा वाई कोण, जैसे कोई भी कहीं भी वाई कोण बनाओ, चाहे जैसे बनाओ, जैसे ऐसे बना है, ऐसे त्रिभुज बना है, तो ये जो होगा इसको छोड़ दो, इन दोनों के योग के बराबर होगा। कैसे भी त्रिभुज बना हो, जैसे मान लो ऐसे बना है और इधर ला दो, ये जो है इन दोनों के योग के बराबर होगा। ये निकल गया तो ये कोण जो है इन दोनों के योग के बराबर होगा, बगल वाला छोड़ के बस याद रखना। तो भाई वाई जो है इस थीटा, ऐसे तो बना है, देखो मान लो ये वाई है, ये वाई दिया है, यहाँ पे एक्स दिया है, यहाँ पे थीटा, तो ये वाई बराबर क्या होगा, एक्स प्लस थीटा बराबर हो जाएगा वाई डिग्री, इतना पता है हमको, है ना, इतना तो पता है ना, थीटा प्लस एक्स बराबर वाई डिग्री हो जाएगा। समझा रहा हूँ इसलिए ताकि आप समझ लो। देखो उसके बाद अब मेन पॉइंट पे आते हैं, तो निकालेंगे कैसे, एक्स प्लस थीटा ये कितना है 2 थीटा, ये कितना है, पूरा पूछ रहा हूँ, पूरे त्रिभुज का 180 डिग्री का होता है ना, तो ये दोनों मिला के है 4x, ये और ये दोनों मिला के है कितना है 4
थीटा बराबर 180 डिग्री, पूरा त्रिभुज तो 180 डिग्री होगा ही, आप कहोगे हाँ बिल्कुल होगा। तो भाई इसको हम लिख सकते हैं 4 कॉमन लेके थीटा प्लस एक्स बराबर 180। अब थीटा एक्स प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे 4, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 डिग्री। तो एक्स प्लस थीटा बराबर 45 डिग्री, अब वही हम लोग बता रहे थे ना, थीटा प्लस एक्स बराबर वाई डिग्री, यही तो दिया है थीटा प्लस एक्स बराबर वाई डिग्री। वाई डिग्री का मान क्या आया, 45 डिग्री, सिंपल सी बात है। तो 45 डिग्री का उत्तर मार दो, इस तरह से ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में एडी बराबर बीडी है और बीडी बराबर एसी है, मतलब कि एडी कहाँ है भैया, ये बराबर है किसके, बीडी के, बीडी कहाँ है इसके। अच्छा जब ये दोनों बराबर हो गए तो हमेशा याद रखना ये कोण भी बराबर होगा, ये और ये दोनों बराबर होंगे। भाई ये बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, क्या बोलते हो, ये बात हमेशा याद रखना। उसके बाद एसी के भी बराबर है, दिलचस्प बात देखो, ये एसी के भी बराबर है, तो मतलब एसी के बराबर है कहने का मतलब ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। भाई ये दोनों जब बराबर होंगे, भुजा जैसे भुजा बराबर है अगर दोनों, तो ये कोण भी बराबर होता है, याद रखना ये बात, ठीक है। अब देखो तो इसको अगर हम दोस्तों, इसको अगर हम x मानते हैं और इसको भी x मानते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर होगा, तो ये y देखो, जैसे अभी y वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, जैसे ये गया हो और ये जो कोण है इन दोनों के बराबर, अगर ये x है ये x है तो ये 2x होगा, क्योंकि y कोण है ये, है ना, हमेशा अभी बताया मैंने, तो यही तो पूरा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व, ये भी सवाल ज़्यादा समय का नहीं, मैं समझा रहा हूँ बस, और आप तो फटाफट करोगे। देखो ये हो जाएगा x प्लस एक 2x, तो ये हो जाएगा 2x, तो जब ये 2x तो ये भी 2x, क्या बोलते हो, इतना कन्फर्म है सबको। एक चीज़ बताओ, जैसे ये मान लो ऐसे बनाए ना, पूछ कह रहा है, पूछ रहा है सी का मान, सी कहाँ है, इसका मान पूछ रहा है, 2x का मान पूछ रहा है। हमको बताओ दोस्तों कि ऐसे मान लो ये पी पे गया है, जैसे ये त्रिभुज बना है, ये भी तो y कोण हो जाएगा, तो ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, इसके और इसके, ये कितना है x है, ये कितना है 2x है, तो ये जो है इन दोनों के बराबर हो जाएगा, x प्लस 2x 3x, तो लिख दो ना 3x बराबर दिया कितना 99 डिग्री, खेल ख़त्म। तो x बराबर 99 बटे 3 मतलब 33, तो ये 2x है तो 33 का डबल कर दो 66, 33 का डबल कर दो 66, सी को सी पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है, तो ये 2x है ना, हो गया काम अपना। ध्यान से इसको समझ लेना, बहुत हलवा है ये, बस आप वाई कोण का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बस। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समान है, देखो एक त्रिभुज बनाते हैं फिर से, क्या कह रहा है, ये त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज पीक्यूआर के समान, ए बी 5 है पीक्यू 3 है, पीक्यू थोड़ा छोटा होगा इससे, यहां बनाते हैं, मान लो ये पीक्यू है, दोनों कह रहा है समान है, अब बड़ा छोटा नहीं, मतलब समान का मतलब जब उनकी कोण समान होता है, कोण ये जिसका समान होता है, जैसे ये समान है, ये भी समान है और ये इसके समान है, तो इसका मतलब कहता है समान त्रिभुज है। तो अब बताओ, मान लो ए बी सी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। अच्छा ए बी दिया है 5 और पी क्यू दिया है 3, तो कह रहा है दोनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल का मान क्या होगा, एरिया। इसे इंग्लिश में ये नहीं है, देखो दोस्तों दो त्रिभुज दिया है, दोनों पैरेलल है, समान है, अच्छा उसके बाद दोनों इक्वल है, उसके बाद दोनों की एक एक साइड दिया है 5 और 3, 5 और 3 एक एक साइड दिया है, एरिया का रेशियो पूछ रहा है, एरिया का अनुपात पूछ रहा है, मतलब इस फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हमेशा याद रखना कि जब भी एक एक भुजा दिया हो कोई जो समांतर हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो कुछ नहीं करना आपको, बस जो भी भुजा मालूम हो उसका स्क्वायर कर दो और जो दूसरे वाले के भुजा मालूम उसका स्क्वायर कर दो, बस वही अनुपात हो जाएगा 25/9। कहाँ दिया है 25/9, ये नीचे वाले में दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, एकदम सिंपल सा। इसको देख लो, ये क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी पर डी, देखो त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी, मान लो ये ए बी सी, ए बी और ए सी पर
डी और ई, ए जो है डी और ई क्रमशः ऐसे बिंदु हैं जिनमें डी ई और बी सी के समांतर हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये मान लो क्या है डी ई, ठीक है। उसके बाद देखो डी ई और बी सी के समांतर है, यदि ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर है और बी डी बराबर, बी डी कहाँ है भैया, ये बी डी है, पी डी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए डी ई, ए डी नहीं छोटा वाला, देखो ये छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज का एरिया का रेशियो पूछ रहा है, जो इसके पहले मैंने बताया ये वाला सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें इतना फर्क है कि एक ही त्रिभुज में दो त्रिभुज पूछ लिया, मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज, इस छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज का एरिया का अनुपात पूछा है। इसको मैं नहीं बताने वाला, ये आप लोग बताओगे, भाई खुद ही समझदार हो आप लोग। छोटे वाला जो त्रिभुज है उसके एक एक साइड दो दिया है और बड़े वाले का क्या हो जाएगा, अब आप लोग बताओगे, इसको 3 होगा या कुछ और होगा, ये मैं नहीं बताने वाला है ना। तो बस दोस्तों आंसर भी साफ साफ नज़र आ रहा है, इसको देख के उत्तर बता सकते हो आप लोग जो समझदार होंगे। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना, ये होमवर्क ले मैं देता हूँ आपको, क्योंकि आप लोग करो तो थोड़ा सा, है ना। एक इसके पहले भी एक मैंने त्रिभुज का वीडियो बनाया था ज्योमेट्री में, तो उसका भी देखोगे प्लेलिस्ट में मिलेगा, उसको भी चाहो तो देख लोगे, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। बस इस क्लास में इतना है, फिर उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आए होगी, पसंद आए तो लाइक भी करना मान लो, अगर पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे जरूर प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और आप पढ़ाई करते रहो। बस दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।